Hey friends, welcome back to our new video. तो आज हम मिलाने वाले देसी चीज को विदेशी चीज से। In short, आज हम देसी और विदेशी चीजों का करने वाले हैं संगम। तो आज ये संगम कैसे होगा और फिर संगम होने के बाद भाई वो कैसा लगता है कैसा नहीं, वो सारी चीजें जानने के लिए ये आज की वीडियो पूरी देखना। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक जरूर करना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। Yes, so let's go. दोस्तों आपने वन विन के बारे में सुना होगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने टीम एक्स पार्क को स्पॉन्सर किया है। आज हम बहुत खुश हैं आपको बताने के लिए कि हमारे दोस्त जो वन विन से है उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पर बहुत सारे बढ़िया गेम्स हैं। अगर आपको भी ये सारे गेम्स खेलने हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके खेल सकते हैं या फिर इनकी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आज हम आपको हमारे फेवरेट गेम लकी जेट के बारे में बताएंगे जिसमें आपको बताना है कि रॉकेट कब नीचे गिरेगा और इसको बताकर आप अपने क्रिस्टल्स को रियल विन में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे हम आपको एक तरीका बताते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने जीतने के चांसेस को बढ़ाने के लिए। हम 500 क्रिस्टल्स यूज करते हैं 1.5 के ऑड्स पर। एंड देखो राउंड स्टार्ट हो गया है एंड प्लेन उड़ गया, कितना सिंपल है। और हम जीत गए पहले राउंड में ही। अब हम दोबारा से सेकंड राउंड में सेम तरीके से 500 क्रिस्टल्स लगाते हैं एंड देखते हैं अब हम कितना जीत पाते हैं। एंड देखिए हम दोबारा जीत गए। लकी जेट सिर्फ एक गेम नहीं है, एक जोश है, एक मजा है। यही नहीं, हम ये बोनस रियल कर सकते हैं, जस्ट हमको ये एक बटन दबाना है और ऐसे करते रहना है। आप अपना चांस मिस मत करो, जाओ एंड लकी जेट पर खेल के अपनी जीत को रियल लाइफ की जीत बनाओ। गेम की लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, हमारा प्रोमो कोड यूज करना जिससे आपको मिलेगा बहुत सारा बोनस। तो आज हमने कुछ देसी और विदेशी फूड की जोड़ियां ली है और वो जोड़ियों को हम कराने वाले हैं संगम। भाई उनका संगम करने के बाद फिर जो प्रोडक्ट निकल के आएगी वो कैसी निकलेगी, अच्छी निकलेगी, बुरी निकलेगी या फिर बहुत ही बढ़िया निकलेगी, भाई वो ही आज देखना है। शायद उसमें से आपको कोई बढ़िया सा आइडिया मिल जाए और आप भी ऐसा कुछ ट्राई करके हमारे तरह मजे लूट सको। वो तो बाद में देखेंगे मजे हो गए या फिर सजा होगी। लेकिन हमने देसी और विदेशी की जो भी जोड़ियां बनाई है वो एक एक करके आपके सामने पेश करते हैं और फिर करवाते हैं आपके सामने उसका संगम। तो मैंने जो सबसे पहला देसी फूड लिया है वो है वड़ा पाव और जो मैंने विदेशी फूड लिया है वो है बर्गर। तो आज हम ये दोनों की जोड़ी बनाएंगे और फिर उनकी करवाएंगे शादी और फिर देखेंगे कि बच्चा कैसा आता है। तो भाई आज हम बस यही काम रह गया है, अभी खाना वाना छोड़ के हम शादियां करवाने में लग गए हैं। तो अभी कैसे इनकी जोड़ी करवानी है, क्या करवाना है बता। तो भाई देखो अभी ये जो बर्गर है उसकी टिक्की और ये जो ऊपर का है वो सारा कुछ जाएगा ये जो वड़ा पाव के अंदर। और ऐसा नहीं कि ये वड़ा पाव का जो वड़ा है वो हट जाएगा, वो भी रहेगा और ये भी रहेगा। भाई साहब तो बर्गर का पूरा बन चेंज हो जाएगा और उसके साथ में वड़ा और ये जो चटनी लगी है ना वड़ा पाव के अंदर उसका भी टेस्ट मिक्स हो जाएगा। तो भाई ये बड़ा खतरनाक होने वाला है और साथ में ये जो टमाटर और प्याज और जो सॉस लगा है ना वो भी इसके अंदर आ जाएगा। भाई ये तो कुछ खतरनाक ही बन जाएगा। वही ना भाई, क्योंकि अगर ये वड़ा हट जाता ना तो वो प्रॉपर बर्गर जैसा तो, ही लगता। हाँ ये ब्रेड में ही थोड़ा फर्क आता लेकिन भाई वड़ा वैसा का वैसा है और टिक्की भी आ गई और बाकी सारे सॉस और ये टमाटर वमाटर प्याज व्याज सब आ गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बन का क्या करेंगे हम? वो बन को अभी रहने दे भाई, मैं बोलता हूँ हम उसको कंप्लेंट करते हैं कॉल करके कि भाई हमको बर्गर मंगवाया था सिर्फ बन दिया अंदर वो टिक्की डालना भूल गए। ऐसा करना है नहीं भाई, नहीं मस्ती कर रहे भाई, ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। तो चलिए अभी ये जो हाइब्रिड बच्चा बना है और भाई लेकिन ये ना दिखने में ऐसा बहुत डिफरेंट है कि भाई जो वड़ा पाव का वड़ा आता है वो फिर नीचे बर्गर की टिक्की और बर्गर के जो सारे सॉस रहते हैं ना वो है। ऐसा वड़ा पाव का मुंह ऐसा खुला का खुला रह गया है। भाई सुनना ये पहले मुझे ट्राई करने देना प्लीज, छोटा मैं हूं ना। तो अभी ये हाइब्रिड वड़ा पाव बर्गर या फिर बर्गर वड़ा पाव जो भी बोलो भाई। हाँ। नहीं वड़ा पाव और बर्गर का बच्चा। हाँ। चलो भाई टेस्ट करो और बताओ भाई, ये ना आज तक हमने कभी ट्राई नहीं किया और शायद किसी ने भी नहीं किया होगा, ऐसे कौन उलझल करते करेगा। कैसा लग रहा है? यार बहुत मजेदार लग रहा है ये भाई साहब। जरूरी नहीं है कि आपको ये करने के लिए ऐसा बर्गर पूरा लेना पड़े, आप अलग से जो टिक्की मिलती है ना उसका भी प्रयोग कर सकते हो।
भाई ये कॉम्बिनेशन ऐसा है ना कि आपका टेस्ट नहीं बिगड़ेगा वड़ा पाव का। वड़ा पाव भी भाई मेरे को ऐसा था कि ये ना कुछ मतलब अजीब ही लगेगा, लेकिन सच में यार बहुत मजेदार लग रहा है भाई, ये बहुत अच्छा लग रहा है। पहली जोड़ी है वो पास हो गई है अपने वड़ा पाव और बर्गर की। भाई देखो इसमें वड़ा पाव की फिटिंग वाले जो लोग हो गए ना वो तो पक्का गाली देंगे, माफ करना भाई उनके लिए, तो शायद हम उनकी नजरों में ऐसा ही कि हम पाप कर रहे हैं, लेकिन भाई कभी कभी है ना ऐसी हरकतें करना मजेदार रहता है। एक बार ट्राई करना, आप सच में एक्सेप्ट नहीं करोगे कि ये अच्छा है, क्योंकि भाई वड़ा पाव एक फीलिंग है, तो भाई वो तो कोई ऐसे खुल्लम खुल्ला नहीं बोलेगा, लेकिन सच में अंदर अंदर तो आप बोलोगे कि भाई मजा आ रहा है। और भाई देखो हर बार आपका सोचते हो कि भाई हमको ये खाना है वो खाना है, लेकिन कभी कभी तो वड़ा पाव का सोचो कि भाई उसको भी शादी करने को रहती है ना, शादी कर रहे तो ये खुश है ना, ये सिंगल है ना तो ये सिंगल लोगों की फीलिंग ज्यादा समझ सकता है अच्छे से। चलो भाई हमारी पहली जोड़ी तो भाई कामयाब रही, बच्चा भी अच्छा आया। अभी देखते हैं दूसरी जोड़ी क्या करके दिखाती है। तो हमारी अगली जोड़ी का विदेशी फूड है पिज्जा, और जो उसके सामने देसी फूड है वो है पनीर बटर मसाला। अभी इसमें से हस्बैंड कौन वाइफ कौन वो आप डिसाइड कर लो। तो भाई आज हम पिज्जा और ये पनीर बटर मसाला की हम जोड़ी बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे भाई, वो बड़ा देखने का सीन है भाई। सोचो एक इटली से चीज और एक चीज हमारे पंजाब से। हाँ वाह भाई वाह, वैसे तो पंजाब भारी पड़ना चाहिए इडली पर, वही किधर पूरे पूरा देश है और इधर एक राज्य है, लेकिन भाई एक राज्य देश के सामने बिड़ा दिया है हमने। वैसे बिड़ाया नहीं है, इसमें तो प्यार मोहब्बत की बात है, तो भाई इसमें तो बच्चा करवाना है हमको, तो भाई सब प्यार से होना चाहिए। तो भाई ये जो पनीर बटर मसाला है ना, वो सबसे पहले तो है ना ये जो ग्रेवी है ना वो अच्छे से स्प्रेड। भाई साहब ये वैसे ना ये हमने रेडी पिज्जा लिया है, लेकिन अगर आप ऐसे डो बनाते हो ना और घर पे पूरा का पूरा मतलब माइक्रोवेव में बनाना है, तो भाई ये कच्चा वो आटा रख के मतलब डो रख के उसके ऊपर सब्जी रख के फिर आप माइक्रोवेव में बना सकते हो, है ना अच्छे से। वही भाई वो बहुत अच्छी दिखेगी, और इसके ऊपर भी थोड़ा मोजरेला डाल सकते हो, लेकिन भाई वो सारी चीजें करने के लिए ना हमको नीचे किचन में जाना पड़ेगा, फिर वीडियो बहुत लंबे बनते ना, तो आप ही बोलते हो कि भाई इतना लंबा वीडियो नहीं चाहिए। ऐसे पनीर हर जगह आना चाहिए विशु, तू चिंदी काम क्यों करता है, पनीर को काटता क्यों, इतने सारे तो पनीर है साला, ये चिंदी का चिंदी रहेगा मेरा भाई। ये देख इतने सारे पनीर है, तो ऐसे ऐसे खूबसूरती एक स्लाइस में एक ही पनीर रहना चाहिए भाई। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, ऐसे एक एक स्लाइस में ऐसे खूबसूरती से पनीर को ऐसे आए हाय 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 वाह जी वाह। लेकिन भाई आप अगर ये चीज ट्राई करोगे ना तो मुझे लग रहा है कि मजा ही आएगा आपको। तंदूरी रोटी आती है ना उसके साथ सब्जी खाते हम तो अच्छा लगता है, लेकिन ये पिज्जा में नीचे वो चलो वो क्या बोलते मैदे का है, लेकिन इसके ऊपर सॉस भी बहुत सारा है। रुक जा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पिज्जा की मेन चीज क्या होती है ऊपर डालने की, चिली फ्लेक्स और ओरेगानो। भाई एक चीज तू डाल एक चीज मैं डालूंगा, भाई इसके बिना कैसे मजा आएगा। फिर शादी होती है तो पूरी पूरी होनी चाहिए ना अच्छी तरीके से। वाह भाई वाह वाह भाई, ये बिल्कुल डिफरेंट लगेगा ना ये सारा डालने के बाद। ओ भाई साहब ऐसा पिज्जा भी मिलता होगा कि नहीं? नहीं मिलता होगा तो हम बेचेंगे। अगर भाई कुछ लोगों ने ये आइडिया देख लिया हो और ये देख सेल भी कर सकते हो। अरे ये देख ओरेगानो बाहर गिर रहा है, बाहर गिर रहा है स्टाइल के चक्कर में। अरे वो स्टाइल में ऐसा ही होता है, ये देख देखा इधर छू के गिरा ना अबे वैसा ही करना होता है। भाई साहब अभी कितना मस्त दिख रहा है विशु, वही चार चांद लगा दिए भाई। ये देखो भाई ऐसा कुछ दिख रहा है भाई, मुझे तो लग रहा है कि ये खतरनाक वाला कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये ओरेगानो और जो पंजाबी सब्जी है ना अपनी पनीर बटर मसाला, वो गड़बड़ ना करे तो अच्छा है टेस्ट। वही लेकिन कोई नहीं भाई, अब ट्राई करते हैं अपना पिज्जा पनीर बटर मसाला, नहीं पनीर पिज्जा पनीर बटर मसाला, पनीर बटर मसाला पिज्जा। हाँ पनीर बटर मसाला, भगवान जाने भाई जो भी है, हमने शादी करवा ली, अभी बच्चा चेक कर दे कैसा आया है। भाई बहुत सही लग रहा है मुझे तो भाई, ये सारी चीजें इतनी अच्छी क्यों लग रही है आज हमको भाई। तुझे एंड में ना वो पीछे से बहुत मस्त टेस्ट आएगा जो पिज्जा का है ना, नहीं वो मेरे को तो जो भी टेस्ट है इधर से ही आता है पीछे से, मतलब लास्ट में जब खाना खत्म होने को आता है तब जब खाते हैं ना तो सबसे पहला टेस्ट पनीर बटर मसाला का आता है, और जब ऐसा चबा चबा कर इसको निगलते है ना, जब एंड का बचता है ना तब टेस्ट आता है पिज्जा का। भाई सच में बात बताओ ये लोग ऐसी चीजें क्यों नहीं बेचते है बाहर मार्केट में। इधर है ना पिज्जा मिलता है, देखो वो पंदूरी किधर बोलता हूँ, पनीर मखनी, पनीर मखनी, तंदूरी पनीर,
लेकिन वो सारे में उतना मजा नहीं आता, वो इंडियन टच चाहिए ना, वो ऐसे कारीगरी करते हैं ना तभी आएगा ना ये चीज। अच्छे से भाई गरम करके बनाएंगे और इसके ऊपर और मोजरेला डालेंगे चीज ना, अरे भाई भाई जबरदस्त बनेगा ये, ट्राई करना भाई, सच में बहुत अच्छा लगता है भाई। इसकी एक खासियत क्या है पता है, इसमें एक साथ दोनों टेस्ट है ना मिलकर कुछ तीसरा नहीं दिख रहा है। इसमें पहले सब्जी का टेस्ट आएगा, फिर आपको जब ऐसे खत्म करने आओगे ना आप चबा चबा कर, तब आपको पिज्जा का टेस्ट आएगा, और फिर ऊपर जो ऑरेगानो चिली फ्लेक्स है ना उसके फ्लेवर, तो भाई सच में बहुत एक बोलते हैं ना सही तरीके से ऐसा हाइब्रिड बच्चा जो पैदा होता है ना एकदम मजबूत, वो है ये वैसा है। मैं अगर आपको पिज्जा पसंद है ना तो आपके लिए तो ये डिश भाई फेवरेट रहने वाली है आपकी, और अगर आपको पनीर टिक्का पसंद है तो भाई सुपर फेवरेट रहने वाली है। हाँ तो हमारी अगली जोड़ी की देसी चीज है भाखरी, और जो विदेशी चीज है वो है ये मैक्सिकन वेजी रैप। तो भाई जिसको भाखरी के बारे में आइडिया नहीं है ना उसको भाई मैं दे देता हूँ, ये चीज है ना एक तो भाई गुजराती लोग बहुत खाते हैं और दूसरा खाते हैं महाराष्ट्रियन लोग। तो भाई ये भाखरी है ना गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। ये वैसे है ना जो अपना गेहूं का आटा आता है ना जिससे रोटी बनती है उससे ही बनती है, लेकिन ये ठीक होती है, और इसका जब आटा गूंधते हैं ना तो इसके अंदर जाता है तेल यानी कि ऑयल, और दूसरा क्या जाता है मम्मी थोड़ा सा नमक ऐसा जाता है। तो भाई इसकी है ना फ्लेवर बहुत स्ट्रांग रहती है, ये हम रोटी खाते तो कैसा एकदम लाइट लाइट सा लगता है उसका, उतना कुछ अलग से स्ट्रांग वाला फ्लेवर नहीं रहता, लेकिन ये चीज़ ऐसी है ना कि आप अकेले भी खा सकते हो, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो भाई इसकी जो स्ट्रांग फ्लेवर है उसको मिलाएंगे हम भाई ये मैक्सिकन वेजी रैप है उसके साथ, तो भाई उसका जो अंदर का इंग्रेडिएंट है ना भाई ये क्या दे दिया है अंदर पोटला बना के भाई, ये है ना बर्गर की टिक्की है यार। देखो भाई ये क्या है यार, भाई ये कितना बड़ा रैप दिख रहा था और बीच में सिर्फ इतना सा, ये क्या है। तो भाई अभी हम मैक्सिकन की शादी करवाएंगे गुजराती या फिर महाराष्ट्र के साथ ऐसा समझ लो आप, तो अभी देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट निकलता है। सबसे पहले है ना भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, सब जैसा वैसे बना है ना वैसे इधर बना। हाँ भाई इसके अंदर लेटस है, प्याज है और टिक्की है और सॉस है, खत्म यार ये। चलो भाई आज हम वो रिव्यू नहीं कर रहे तो उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे, बाकी मैकडॉनल्ड्स का नया रैप निकला है वो है मैक्सिकन वेजी रैप, लेकिन देख लो कि कैसा है, उतना कुछ खास नहीं लग रहा दिखने में, भी टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा। ओ भाई साहब, लेकिन विश्व एक बात बोलू, हमारी भाखरी बहुत छोटी है और ये माल बहुत बड़ा है, वही भाई आधी कर देनी है टिक्की, नहीं आधी नहीं वो ऐसा ही कर देना तो रैप नहीं बनेगा इससे। अरे रैप नहीं बनाना है, रोल कर दे, हम देसी तरीके से खा रहे हैं भाई इसको तो फिर रोटी के साथ एक नी वाला तोड़ तोड़ के खाए ना भाई, ये फोल्ड नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी हम जैसे तैसे करके भाई इसको लिपटा के और फिर टेस्ट करेंगे। ये देखो भाई ये हमने बना दिया है हमारा, अरे ऐसे नहीं रैप ऐसे भी होता है ऊपर भाखरी रैप, अरे लेकिन ये ऊपर हो नहीं रहा है ना जगह नहीं है ना उतनी, तो भाई अभी ट्राई करते हैं हमारा मैक्सिकन भाखरी रैप। ये मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ बुरा भी और ऐसा भी नहीं लगेगा कि रैप जैसा, ये भी रैप ही है ला, लेकिन भाखरी की फ्लेवर बहुत स्ट्रांग आती है। लाना भी एक बाइट तो ले लिया। क्या गिरा है, चल आधा बच्चा तो गिर गया। लग तो अच्छा रहा है, तू ये इसका ट्राई कर, मतलब इसको सिर्फ इसको टेस्ट कर, उसका कोई टेस्ट ही नहीं है। देखा ये रैप की जो टोटी लाती है ना उसका कुछ भी टेस्ट नहीं है, लेकिन भाखरी की जबरदस्त फ्लेवर अंदर मैच हो रही है भाई। देखो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अभी तक जितने भी हमने जोड़िया ट्राई की उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क लगा हमको, ऐसा ये भाखरी में ऐसा हमें नहीं लगा। लेकिन जो भाखरी का चाहक होगा ना उसको भाई मजा आएगा, क्योंकि भाई मेरे को भाखरी पर्सनली बहुत पसंद है और मेरी मम्मी तो क्या जबरदस्त भाखरी बनाती है। ओए होए 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 होए, मेरे जितने कजिन्स हैं ना वो घर पे आते हैं ना तो मम्मी के हाथ की ऐसे सिर्फ अकेली भाखरी खा जाते हैं, ना साथ में सब्जी चाहिए ना अचार चाहिए कुछ भी नहीं, ऐसे ही खा जाते हैं। तो भाई मेरे को तो मम्मी की भाखरी है, तो भाई ये मेरे को कॉम्बिनेशन वैसे भी अच्छा लग रहा है। तू क्यों उदास क्यों हो रहा है तू? अरे मुझे उतना वो बढ़िया नहीं लगा ये चीज का कॉम्बिनेशन, मेरे को भाखरी अच्छी लगती ना इसलिए मेरे को अच्छा लगा। लेकिन एक बात है कि ये भाखरी लो या फिर ये टोटी ला लो आपको उतना कुछ खास पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो अंदर की सारी चीजें है ना उसका फ्लेवर भी आ रहा है ना, तो बाहर की जो भाखरी की फ्लेवर है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं पकड़ पाती। हाँ, लेकिन आज की ये जो तीनों की तीनों चीज हमने ली ना तो उसमें से सबसे अच्छी जोड़ी मुझे लगी कि भाई पनीर बटर मसाला और पिज्जा की नंबर वन पे वो है। मेरे लिए नंबर वन वड़ा पाव है। नहीं मेरे लिए नंबर वन ये है, और फिर नंबर टू पे अपने वड़ा पाव और बर्गर का जो मिलाया कॉम्बिनेशन वो है, और तीसरे नंबर पे ये है। लेकिन तीसरे नंबर पे भी मैं इसको ना रखूं क्योंकि उतना डिफरेंस नहीं है भाई ये, अगर ये भी एक रोटी जैसा ही है
चलो जो भी है, अभी तीन चीज गया तो तीसरे नंबर पर तो आएगा ना ये। हाँ। ऐसा कैसा ना रखू। तो भाई जो भी है, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी और ये हमने जो कॉम्बिनेशन ट्राई किया, ऐसा आपने कभी किया है कि नहीं, वो भी नीचे कमेंट में जरूर। और अगर नहीं किया है तो भाई ये जरूर ट्राई करना और फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपको इसका टेस्ट और कॉम्बिनेशन कैसा लगा। मतलब सबको ये सारा का सारा टेस्ट करना है। हाँ भाई भाई, बाकी सारा तो आप टेस्ट कर लोगे, लेकिन मेरी मम्मी जैसी भाखरी आप किधर से लेके आओगे भाई? इसको छोड़ दो। नहीं, क्यों छोड़ दो, ट्राई करो भाखरी भाई, गूगल पर सर्च करो, यूट्यूब पर रेसिपीज देखो, लेकिन भाई भाखरी जरूर बनाओ। तो बस भाई, आज की चैलेंज में इतना ही था। वैसे ये चैलेंज हमारे लिए थी आज कि हम क्या क्या ढूंढ के लाए। हमने बहुत कुछ सोचा कि क्या ऐसा मिक्स करें कि भाई ऐसा बेहतरीन रिजल्ट आए। तो आपको आज का हमारा ये आइडिया कैसा लगा वो नीचे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपको ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।